This is so tiny, baby. Oh no. Oh my gosh, that one's small too. Yeah. Oh no. We didn't. Maybe you could give it to somebody. हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू स्वीट सिंपल लाइफ। कैसे हो आप सब? अच्छा, यहाँ ब्लैक फ्राइडे की शॉपिंग हम लोगों ने की, बहुत अच्छी डील थी। सो ऑनलाइन सब कुछ हमने ऑर्डर किया। सो सबसे पहले ये मैंने स्वेटर्स कुछ ऑर्डर किए थे मेरे लिए। विंटर में काफ़ी ठंड होती है इनसाइड, इवन दो हीटर ऑन होता है फिर भी ठंड काफ़ी होती है। सो ये एक फर्स्ट स्वेटर मैंने पहन के देखा था ओपन करके, कि कहीं साइज़ में कुछ भी गड़बड़ हो तो मैं रिटर्न कर सकूँ, लेकिन परफेक्ट साइज़ हो गया था इसका। और ये स्वेटर रूबी कलर का है फर्स्ट वन, और ये था $30 ओरिजिनल इसकी प्राइस, लेकिन इस $7 में मुझे मिले हैं। और ये सेकंड स्टाइल सबकी मैंने तीन स्वेटर लिए हैं। स्टाइल सबकी सेम है, जस्ट कलर डिफरेंट है। और ये है ग्रे ब्लैक कलर का, ये भी सेम ही है, $30 का था ओरिजिनल, लेकिन $7 में इसकी डील थी। और काफ़ी मुलायम कपड़ा है इसका, मुझे बहुत पसंद आया इसको पहनने में। कुछ ऐसे कहते हैं ना, थिकनेस फील होती है, वो नहीं हो रही थी। सो और ये थर्ड है जो ये ग्रे कलर का है। सो ये भी मुझे स्टाइल, जैसे मैंने कहा, सभी सेम ही है, लेकिन अच्छी डील थी। और मेरा इस तरह का है ना कि मैं ब्रांड नहीं देखती हूँ, मैं कंफर्ट देखती हूँ कपड़े में। कोई भी चीज़ में मुझे कंफर्ट ज़्यादा पसंद है इंस्टेड ऑफ ब्रांड। और ये है मौसमी का स्वेटर, उसने ये लिया है, उसका भी सेम ही स्टाइल है, सेम प्राइस। और इसका ये है हनी जिंजर है शायद, हाँ हनी जिंजर कलर है इसका। सो काफ़ी अच्छी डील्स थी इसमें। और उसके बाद यहाँ पर ये मैंने स्टोर में से लिया है, आज ही गई थी मैं, हम लोग गए थे, उसकी वीडियो इसके बाद आएगी, मेरी बेटी की मौसमी के बर्थडे की कुछ हम लोग चीज़ें लेने गए थे। सो आते समय हम लोग किस में गए थे, रॉस में से लिया है, मैं भूल भी गई कौन से स्टोर में गए थे, रॉस में से लिया है। ये मेमोरी फॉर्म की स्लीपर्स हैं घर में पहनने की। सो इसकी प्राइस भी आई थिंक कुछ 20 समथिंग की थी, और 10 में मिली है मुझे। सो ये लिया है मैंने। और ये तो ऑयल है, कभी भी मैंने यूज़ नहीं किया, ये फर्स्ट टाइम, मैं इतने सालों में फ़र्स्ट टाइम यूज़ करूँगी। विटामिन सी ऑयल, आई मीन नॉट ऑयल, सॉरी, विटामिन सी सीरम लिया है मैंने। सो इस तरह से ये पाउडर और लिक्विड है जो मिक्स करना होता है। सो ये कोई सेल में नहीं था, बस ऐसे ही ले लिया था, चाहिए था इसलिए। उसके बाद मैंने यहाँ पर कास्ट आयरन का ये 3 का सेट था, इसकी ओरिजिनल प्राइस तो मुझे कुछ पता नहीं है, लेकिन $20 में 3 की डील थी। और ये काफ़ी महंगे आते हैं, एक ऑलरेडी मेरे पास है, वो बाई सेल्फ ही कुछ मैंने $40 या $45 का लिया था अभी। सो इसकी प्राइस 3 की 20 थी, और फिर रिबेट भी $10 का था, तो $10 में और उसमें भी कुछ ऑफ था। सो शायद ऑल टुगेदर मुझे $3 या $4 में ही ये 3 पेन मिले। सो काफ़ी अच्छी प्राइस थी इसकी। मौसमी, यू वांट टू सी दिस? दिस इज सो टाइनी बेबी। ओह नो, दैट, व्हाट आर यू गोना डू विद दिस? वाओ, दैट वन्स रियली स्मॉल। या, दैट वन कुड बी गुड फॉर आई डोंट नो, वी विल फिगर इट आउट। Maybe for one sandwich. Small sandwich. But slice also is bigger than this. That one's actually like good for eggs and stuff. That's probably what they use it for. Oh, that's for the, yeah, probably. Is it light? This one is light. It's not that heavy. Oh yeah, it is. But it's so small, you know, beta. In fact, actually, this one also light, beta. Sure. No, this one is heavy. I like this one actually. Okay. For something like a saute. Mm-hmm. Oh my gosh, that one's small too. Yeah. Oh no. We didn't check the size. Do you think so you should return this? Oh, sorry. What can you do with that? I don't know. Maybe you can give it to somebody. What you mean somebody? It's a nice gift. It could be a nice gift for someone that like has a new house or something.
Yeah, I guess we can do that, right? See. It's not as heavy as it should be. Right. This one is heavier than that. I mean, both of them. I really like this one. It's not pre-greased, is it? Pre-seasoned, I mean. I don't know. Let me see. Oh, this one's heavy. सो ये पेन ऑलरेडी मेरे पास था, बस इसमें एक ही प्रॉब्लम है कि अगर ऑयल वाला यूज़ करते हैं ना तो ये बेस्ट है उसके लिए, और मैं इतना रोटी वगैरह ना ऑयल में नहीं बनाती हूँ, मैं वैसे ही बनाती हूँ बिना ऑयल के, और ऊपर से घी लगाती हूँ ना। सो सॉटे वगैरह में बहुत अच्छा है ये, एज ए नॉन स्टिक वर्क करता है ये। सो और हेल्थ के लिए भी काफ़ी बेनिफिट्स हैं आयरन तो। सो चलिए कुछ ना कुछ तो करेंगे दोनों का, स्मॉल वाले का। सो कहीं तो यूज़ हो जाएगा ये बिग वाला अच्छा है, कुछ भी सॉटे करना हो अगर कुछ हो ना। सो काफ़ी अच्छा है, हैवी भी है ये। सो कहीं ना कहीं तो यूज़ हो जाएगा वो, क्योंकि इतनी चीप चीज़ ऐसे महंगी है, लेकिन किसी को देना भी ठीक नहीं रहेगा ना, तो कर लेंगे यूज़ किसी में। अच्छा, इसके बाद ये न्यूट्री बुलेट का मैंने ब्लेंडर लिया है। सो ये काफ़ी पावरफुल है, मैंने ऑलरेडी इसे यूज़ भी कर लिया, इसकी चटनी मैंने बना ली इसमें, आई मीन इसकी चटनी नहीं बनाई, सॉरी, इसमें चटनी बना ली मैंने धनिए की। सो अगर स्मॉल क्वांटिटी के लिए बहुत ही अच्छा है, बस कुछ ही मिनटों में रेडी हो जाती है ये इसके अंदर। सो मुझे ये काफ़ी पसंद आया एक्चुअली, बस इसमें 2 जार आते हैं और इसके में लीड एक ही है, प्रॉब्लम एक ही है। सो मैं सोच रही हूँ एक और ऑर्डर ही कर लूँ, सो दोनों कप के लीड दो सेपरेट हो जाए। हालांकि कोई दिक्कत तो नहीं है, लेकिन फिर भी सोच रही हूँ, अभी पता नहीं, देखूँगी। सो ये मुझे इसकी प्राइस थी $50 की, वैसे 70 में जनरली होती है, सो $20 इसमें ऑफ मिला था। सो ये एक्चुअली ना मौसमी को चाहिए था, वो स्मूदी वगैरह काफ़ी पीती है। सो और ये सारी चीज़ें ना मुझे एक साथ रिसीव नहीं हुई है, डिफरेंट डिफरेंट डे रिसीव हुई थी। सो जैसे जैसे आते जा रहे थे मैं इसे ओपन करती जा रही थी। सो बस काफ़ी पसंद आया ये न्यूट्री बुलेट तो, मुझे सच में काफ़ी पसंद आया, क्वालिटी भी अच्छी है। सो उसके बाद चलते हैं हम नेक्स्ट प्रोडक्ट की तरफ, ये भी मुझे डिफरेंट डे में ही रिसीव हुआ था। यहाँ पे किचन एड लिया है हम लोगों ने, मौसमी की बर्थडे आ रही है, सो बर्थडे गिफ्ट में उसे कुछ हमें देना था, और उसे बहुत सालों से ये लेना था, बहुत सालों से मीन्स 4-5 सालों से। वो बेकिंग में बहुत अच्छी है, वो बेक बहुत अच्छा कर लेती है, कुकी केक वगैरह सब कुछ। सो उसे इंटरेस्ट है इन सारी चीज़ों में। सो जैसे मैंने कहा ये 550 का था, 450 में पड़ा, लेकिन ये कमर्शियल है बिग साइज़ का। सो फिर हम लोगों ने डिसाइड किया कि इसे रिटर्न करके हैं थोड़ा सा स्मॉल लेंगे, ये आई थिंक कुछ 6 क्वार्ट का है, हम लोग ऑर्डर करेंगे 4-5 का शायद, क्योंकि इसमें बॉटम तक अगर स्मॉल क्वांटिटी कर रहे हैं ना, तो बॉटम तक इसके अटैचमेंट टच नहीं हो पा रहे हैं, सो इसलिए ये रिटर्न होगा और दूसरा लाया जाएगा, लेकिन सेम ब्रांड सेम क्वालिटी होगी उसकी भी। सो आई होप सो ये ब्लॉग आपको पसंद आया हो, ये थैंक्स गिविंग हॉल पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक कमेंट एंड सब्सक्राइब ज़रूर से करना। चलिए फिर मिलते हैं अच्छे से एक ब्लॉग के साथ, अंटिल देन टेक केयर एंड बाय बाय।